तुम करते हो वही जो तुम चाहते हो, लेकिन होता है वही जो हम चाहते हैं। इसलिए तुम करो वही जो हम कहते हैं, तो देखो होगा वही जो तुम चाहते हो। हेलो स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत रंजन, तुम सबों का विशु सर, अपने इस ऑनलाइन चैनल पर सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को कौन कौन सा पेपर पढ़ना है और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कौन से पेपर कौन से सर पढ़ाने वाले हैं। देखो 6 सेमेस्टर जो है तुम लोगों के कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सेमेस्टर है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 6 सेमेस्टर में प्राप्त किया गया हर एक अंक तुम्हारे डिग्री में जुटता है। 6 सेमेस्टर में प्राप्त किया गया हर एक अंक तुम्हारे डिग्री में जुटता है। अगर 6 सेमेस्टर में तुमने अच्छे अंक को प्राप्त कर लिया तो निश्चित तौर पर तुम्हारा डिग्री काफ़ी बेहतरीन बनेगा और बिहार में बहुत सारा वैकेंसी मार्क्स बेसिस पर आ रहा है, तो डिग्री भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। या बहुत सारे ऐसे PSUs हैं जहाँ पर फॉर्म ही जो है वो हाई डिग्री पर एक्सेप्ट किया जाता है। अगर डिग्री 75% या 70% से नीचे है तो बहुत सारे PSUs में फॉर्म को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए डिग्री अच्छा होना, डिग्री अच्छे नंबर का होना, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने आप में। 6 सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर में फ़र्क है। 6th सेमेस्टर का पेपर एज कम्पेयर टू 5th सेमेस्टर थोड़ा सा टफ है क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल पेपर्स कुछ पढ़ने हैं आपको और न्यूमेरिकल पेपर जो होते हैं थ्योरेटिकल पेपर के कंपैरिजन में थोड़े कठिन होते हैं। हालांकि न्यूमेरिकल पेपर को अगर आप बेहतर ढंग से पढ़ रहे हैं, अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, तो थ्योरेटिकल पेपर के कंपैरिजन में इसमें नंबर लाना उतना ही आसान होता है। इसलिए अगर आपने 6 सेमेस्टर में बढ़िया ढंग से कंसाइज होके फोकस्ड होके तैयारी किया है तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा अंक आपके सेमेस्टर में आ जाएगा। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 6 सेमेस्टर में जो पेपर पढ़ना है वो है आपका मैनेजमेंट, मशीन डिज़ाइन, RAC, इंडस्ट्रियल फ्लूड पावर और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। 6 सेमेस्टर का जो पेपर है ये हमारा जो ऐप है जय मैकेनिकल, इस जय मैकेनिकल के ऐप पर चलेगा। जय मैकेनिकल का ऐप आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही प्ले स्टोर से जय मैकेनिकल का ऐप डाउनलोड कीजिएगा, आप देखिएगा कि वहाँ पर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर का फोल्डर दिखेगा। उसमें डेमो वीडियोज़ भी शुरू में आएंगे, उसके बाद लॉक वीडियो आने लगेंगे। हालांकि आज कोर्स लॉन्च हो जाएगा 7-8 बजे तक, अभी प्रोमो ऑफर में कोर्स चलेगा, 5 दिन का प्रोमो ऑफर है, उसके बाद फीस बढ़ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं पेपर के बारे में। याद रखना ऐप का नाम क्या है, जय मैकेनिकल। फॉर मोर डिटेल यू कैन कॉल एट दिस नंबर 7903832624। ठीक है, चलिए सबसे पहला पेपर जो आप लोग पढ़िएगा बड़ा ही इंटरेस्टिंग पेपर है, जिसको पढ़ने में भी और पढ़ाने में बड़ा आनंद आता है, जिसका नाम है मैनेजमेंट। एक्चुअली ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट है, आप लोग इसको मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ये पेपर IEM है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, जो पुराने सिलेबस में चलता था उसी का ये पार्ट है मैनेजमेंट। थ्योरेटिकल पेपर है हालांकि, लेकिन रोशन सर आपको इतना बेस्ट तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको एग्ज़ाम में कुछ भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल क्लास में बैठे बैठे ही सब कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। इसके बाद मशीन डिज़ाइन, हम तो भाई अपने BTech में थे तो इस पेपर से बड़ा डर लगता था क्योंकि इसके टीचर होना, इसका कोई टीचर नहीं है, बहुत जल्दी इसके कोई टीचर नहीं मिलता है, बड़ा स्पेशलाइज्ड पेपर है। मटेरियल साइंस का MOS का कंसेप्ट तो इसमें लगता है और काफ़ी ज़्यादा टफ पेपर है, और ये आपको रोशन सर पढ़ाएंगे। और सबसे खुशी की बात ये है, हम लोग को तो सर के जैसा टीचर नहीं मिला, लेकिन आप लोग को सर के जैसा टीचर मिल रहा है। इस पेपर को लगभग सर 12-13 साल से पढ़ा रहे हैं और हर साल ऑफलाइन में सर का 3-4 बैच बनता है, मतलब लगभग 36 बैच का एक्सपीरियंस लेके सर आप लोग को पढ़ा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जब कोई टीचर 36 बैच का सिलेबस कंप्लीट करके आ रहा है, उसके बाद आपको उनसे पढ़ने का मौका मिल रहा है, देन आप लोग काफ़ी ज़्यादा लकी हैं अपने इस मामले में, ये कहा जा सकता है। ठीक है, इस पेपर को इनसे बेटर कोई नहीं पढ़ा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये पेपर अपने आप में बड़ा विचित्र पेपर है। ठीक है, चलिए इसके बाद है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ये जैसे ही आप इसकी बात करेंगे ये सबसे टफेस्ट पेपर है, तो ये जो पेपर है बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर है, बड़ा मज़ेदार पेपर है ना, ये पेपर बड़ा मज़ेदार पेपर है और मेरे पर्सनली दिल के काफ़ी करीब है।
रेफ्रिजरेशन इन एयर कंडीशनिंग। मेरा सारा एमटेक जो है इसी पेपर में हुआ है और हमको काफ़ी अच्छा लगता है ये पेपर पढ़ाना, काफ़ी मन से हम इसको पढ़ाते भी हैं। इस पेपर को पढ़ाएंगे तुम लोगों के प्यारे विशु सर। अब इस पेपर में और जो सर आपको पढ़ा रहे हैं इनके बारे में ज़्यादा बोलना हमको ठीक नहीं लग रहा, अपना तारीफ हम क्या करेंगे। अगर पूछना होगा जो हमसे पढ़ा होगा तो उनको तो खैर पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, जो विशु सर से पढ़े हों फिफ्थ सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे फोर्थ में भी पढ़े होंगे तो जान ही रहे होंगे कि सर पढ़ा रहे हैं तो ईमानदारी से पढ़ाएंगे, है ना। सर पढ़ा रहे हैं तो ईमानदारी से पढ़ाएंगे और बड़ा मज़ा आने वाला है। जो नहीं जानते हो वो अपने बैचमेट से मेरे बारे में पूछ सकते हो, और या नहीं तो जो पास आउट सीनियर्स हैं उनसे ज़रूर पूछना तो ये बता देंगे। और साथ में ये भी हम बता देते हैं ये आरएसी पेपर का इतना लंबा सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है कि मेरे अलावा कोई सिलेबस ख़त्म नहीं कर पाएगा। लगभग 12 साल से हम भी पढ़ा रहे इस पेपर को, 35-36 बैच का अनुभव लेके तुम्हारे सामने आ रहे हैं, मतलब इतने बैच का सिलेबस ख़त्म करके हम दिए हैं फिर तुम लोगों को पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। इसके बाद इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर, बड़ा ही मॉडर्न पेपर है, बड़ा ही शानदार पेपर है। फ्लूइड मैकेनिक्स का थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है ये। इसमें आपको पढ़ना है कि इंडस्ट्रीज़ में जितने भी फ्लूइड पर काम करने वाले मशीन्स हैं वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, उनका कंस्ट्रक्शन कैसा है, उनके क्या मशीनरी पार्ट्स होते हैं, उनका मेंटेनेंस हम लोग कैसे करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है और इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट पेपर है, जिसका नाम इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर है, ठीक है। और फ्लूइड मशीनरी विशु सर का कैसा है जो पढ़ा होगा हमसे उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, और ये भी जानता ही होगा कि फ्लूइड मशीनरी भी बड़े कम लोग ही बड़े सरल तरीके से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। काफ़ी दिन से हम फ्लूइड मशीनरी पढ़ा रहे हैं तो काफ़ी मज़ा आएगा इस पेपर को पढ़ने में। इसके बाद है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एक्चुअली यहाँ पर जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है तुम लोगों का ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस होते हैं उनमें क्या क्या टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हैं, है ना, क्या क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी आजकल के इस न्यू एरा में आ गए हैं, उन सब चीज़ों के बारे में इस पेपर में आप लोगों को पढ़ना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग पेपर है, काफ़ी मज़ेदार पेपर है, है ना। काफ़ी इसमें तुम लोगों का इंडस्ट्री वगैरह का काफ़ी हम एनिमेशन करके, है ना, एनिमेशन करके इंडस्ट्री में जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं काफ़ी एनिमेटेड वीडियो से तुम लोग को समझाएंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगा, बड़ा ही मज़ेदार होगा ये पेपर, है ना। इसको भी कौन पढ़ाएंगे तो तुम लोगों के प्यारे विशु सर। बाकी अब हम अपने बारे में क्या कहेंगे, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, सब लोग जानते ही होंगे। फिफ्थ सेमेस्टर में भी जो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम लोग के साथ जुड़े होंगे, हम लोग के साथ जुड़े होंगे वो ज़रूर जानते होंगे कि हम लोग किस लेवल पर पढ़ाते हैं, और पढ़ने के बाद एग्ज़ाम में कितना अच्छा एग्ज़ाम गया होगा ये भी तुम लोगों को पता होगा। बात बाकी तो ये स्टूडेंट है ये सब जानती है, सबके बारे में भी जानती है, हमको ज़्यादा बोलने की आवश्यकता किन्हीं के बारे में नहीं है और अपने बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है। तुम लोगों का कैरियर है, तुम लोगों का निर्णय है। हम तो बस यही कहेंगे कि पढ़ने से पहले अगर मन में ज़रा सा भी दुविधा है तो ज़रूर अपने सीनियर से पूछिएगा। अब तो खैर आप ही सीनियर हो गए हैं, अब तो खैर आप ही सीनियर हो गए हैं, अपने बैचमेट से पूछिएगा जो हम लोग के बारे में नहीं जानते, जो फिफ्थ सेमेस्टर में हम लोग से नहीं पढ़े हैं, जो हम लोग से नहीं पढ़े हैं वो ज़रूर अपने बैचमेट से पूछिएगा। और जो पढ़े हैं उनको अब बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिक्स सेमेस्टर है, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी नहीं करना, है ना। काफ़ी लंबा चौड़ा अनुभव लेके हम लोग पढ़ा रहे हैं तुम लोग को, बाद बाकी तुम लोग देख लेना अपने हिसाब से। चलो तो इस वीडियो सेशन के लिए इतना ही, अगले वीडियो सेशन में हम लोग अपने सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। जय मैकेनिकल। इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना।